हेलो पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ ऑन अ जर्नी थ्रू द बेस्ट हिल स्टेशंस इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस अपलोड करता हूँ इस चैनल पर, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो महाराष्ट्र में काफी हिल स्टेशन हैं जो आप मॉनसून सीजन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें से ही एक हिल स्टेशन है मालसेज। मालसेज घाट इज अ माउंटेन पास जो कि महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट रीजन में आता है। मालसेज घाट इज अ पॉपुलर मॉनसून डेस्टिनेशन अमंग पुणेकर्स एंड मुंबईकर्स। ये ही नहीं, ये खूबसूरत हिल स्टेशन ट्रैकर्स, नेचर लवर्स एंड हाइकर्स के बीच काफी फेमस है। मालसेज जाने का प्लान कर रहे हो तो ये प्लेसेस जरूर एक्सप्लोर करना, जिसमें से पहला लोकेशन है नागेश्वर टेंपल जो कि खीरेश्वर विलेज में आता है। सेकेंड इज द मोस्ट ट्रेंडिंग एंड मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस जो कि है कालू वाटरफॉल, जो कि काफी मैजेस्टिक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द मालसेज घाट व्यू पॉइंट्स। ये सारे प्लेसेस तो आपको मालसेज घाट में एक्सप्लोर करने ही चाहिए। नेक्स्ट लोकेशन जो कि मेरा भी फेवरेट है, मैं बात कर रहा हूँ अम्बोली हिल स्टेशन की। अम्बोली महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है। वैसे तो आप अम्बोली किसी भी मंथ में जा सकते हैं। अगर आपको वाटरफॉल एंजॉय करने हैं तो मॉनसून सीजन इज द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर अम्बोली घाट। अम्बोली वाटरफॉल की हाइट ऑलमोस्ट 400 फीट है। अगर आप भी पुणे से गोवा या सावंतवाड़ी गए हैं तो आपने भी कभी ना कभी अम्बोली वाटरफॉल को एक्सप्लोर किया ही होगा। मॉनसून में यहाँ वाटरफॉल्स की जैसे भरमार सी हो जाती है। नेक्स्ट हिल स्टेशन जो है वो इंडिया का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट हिल स्टेशन है जो कि महाराष्ट्र में आता है, लेकिन ये हिल स्टेशन बाकी हो लोकेशन से कम नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट माथेरान हिल स्टेशन। पुणे से माथेरान कुछ 123 किलोमीटर्स है एंड मुंबई से करीब 90 किलोमीटर्स। एक चीज जो इसको काफी फेमस एंड यूनिक बनाती है वो ये है कि माथेरान एक इको सेंसिटिव जोन में आता है। इसका मतलब यहाँ व्हीकल्स की एंट्री बंद है, जिससे कि ये हिल स्टेशन पॉल्यूशन फ्री है। माथेरान को एक्सप्लोर करने का बेस्ट टाइम है मॉनसून, जो कि जून से लेके ऑलमोस्ट सितंबर तक होता है। वैसे तो आप माथेरान को विंटर्स में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम जो है वो है मॉनसून सीजन। माथेरान में ऑलमोस्ट 36 व्यू पॉइंट्स हैं, जिसमें से कुछ व्यू पॉइंट्स हैं जैसे कि लुइसा पॉइंट, चार्लॉट लेक, मंकी पॉइंट एंड एक्सेट्रा, जो कि काफ़ी फेमस है। इसके अलावा माथेरान में टॉय ट्रेन में ट्रैवल करना मत भूलना, जिसका एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन हिल स्टेशंस। नेक्स्ट लोकेशन जो कि है इगतपुरी, एंड मॉनसून सीजन में इगतपुरी का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंशियंट टेम्पल्स, थ्रिलिंग फोर्ट्स, अमेजिंग वाटरफॉल से लेके महाराष्ट्र का हाईएस्ट माउंटेन पीक तक लेके यहाँ आपको सब मिलेगा। इगतपुरी महाराष्ट्र के नाशिक डिस्ट्रिक्ट में आता है। मुंबई से इगतपुरी करीब 136 किलोमीटर्स एंड पुणे से करीब 250 किलोमीटर्स पर आता है।
अगर आप इगतपुरी जाने का प्लान कर रहे हो तो महादेव का मंदिर त्र्यंबकेश्वर जाना मत भूलना। एंड अभी श्रावण में महादेव के दर्शन करने का बेस्ट टाइम है। इसके अलावा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अशोका वाटरफॉल, भावली डैम एंड भावली वाटरफॉल्स, विपासना इंटरनेशनल अकेडमी। अगर आप इगतपुरी जा रहे हैं तो ये लोकेशन एक्सप्लोर करना मत भूलना। नेक्स्ट लोकेशन जो कि है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पुणेकर्स के लिए एक गो टू प्लेस है ड्यूरिंग मानसून सीजन। ड्यूरिंग द मानसून सीजन एंटायर महाबलेश्वर टर्न्स हेवनली। जो कि इसको एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाता है ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून के ही टाइम पर यहाँ आपको देखने को मिलते हैं कुछ मैजेस्टिक वाटरफॉल्स। उसमें से ही एक वाटरफॉल है भेलार वाटरफॉल। महाबलेश्वर में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं केट्स पॉइंट, कृष्णाबाई टेम्पल जो कि ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड टेम्पल है। एंड माना जाता है कि कृष्ण रिवर का जो ओरिजिन है वो इसी टेम्पल से होता है। महाबलेश्वर के साथ साथ आप पंचगनी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन प्लेट्यू, जिसको टेबल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। Are some of the amazing hill stations near Mumbai and Pune in Maharashtra. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। Until next time, happy traveling and stay safe. Thank you so much for watching the video.